कोरोना महामारी से बचाव के लिए भोपाल में शासन के आदेश पर लगातार आयुष विभाग काढ़े के पैकेट का वितरण कर रहा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर इस पैकेट का वितरण घर घर जाकर कर रहे हैं, साथ ही इसके सही इस्तेमाल के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। आयुर्वेदाचार्यों का मानना है कि इस आयुर्वेदिक काढ़े से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और लोगों को कोरोना से लड़ने में सहायता मिलती है। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर आयुष विभाग द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने वाले काढ़े के पैकेट का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेदिक काढ़े और योग करने की सलाह लोगों को दी थी। प्रदेश में 1 करोड़ परिवारों तक काढ़े के पैकेट को वितरण करने की योजना है। काढ़े और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां मध्य प्रदेश के लघु वनोपज संघ द्वारा बनाई जा रही हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली कंपनी और मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ की इकाई विंध्या हर्बल में इसके निर्माण लगातार किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इस काढ़े में क्या क्या मिलाया जाता है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है। ये पिपली है, पाइपर नाइग्रम बोलते हैं, श्वास कांस को ठीक करता है। ये गिलोय है जो इम्यून को बढ़ाने का काम करता है। और ये काली मिर्च है और ये सौंठ है। और इस तरीके से हम लोग टिकटू चूर्ण बना के गवर्नमेंट में सप्लाई करते हैं। तो ये तीनों मिला के टिकटू चूर्ण और ये बहुत जीवनदायिनी औषधियाँ हैं, इनसे जीवन की प्राप्ति होती है। आयुष विभाग के डॉक्टरों द्वारा इसके सही उपयोग और मात्रा की जानकारी लोगों को घर घर जाकर दी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस काढ़े से न केवल शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी बल्कि कोरोना के साथ साथ इसमें सर्दी खांसी में भी लाभ मिलेगा। और आशा है आप सभी को इस आवश्यक के नियमों का पालन कर रहे होंगे। और कोरोना से बचने के लिए हमारे आयुष विभाग ने रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास, विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसकी जानकारी मैं आप सबको देना चाहता हूँ। इसमें से मेरे सामने कुछ दवाइयाँ रखी गई हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें सबसे सामने है त्रिकटू चूर्ण है। इसका आपको काढ़ा या फांट दोनों में से आप इसको पी सकते हैं। और ये पूरे परिवार के लिए सिर्फ 5 ग्राम, मतलब जो आधा चम्मच है पाउडर, छोटे चम्मच के हिसाब से आधा चम्मच पाउडर को आप 1 लीटर पानी में धीरे धीरे आँच पे पकाइए। जब ये आधा शेष बचे तो थोड़ा थोड़ा लेना है। लगभग 1 पर्सन के लिए 70 ml सफिशियंट रहेगा। ये पूरे परिवार के लिए हो जाएगा सिर्फ 1 चम्मच त्रिकटू पाउडर, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो आपको ये गर्मी दे सकता है, गर्म कर सकता है, तो आप उसकी मात्रा थोड़ा कम कर सकते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।